मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बगावत करने वाले पूर्व विधायक को पद से हटाया, ऐसे ही 100 और के नाम। इसके साथ क्या करेगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक माधव सिंह डाबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विकास निगम के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पार्टी ने सख्त एक्शन लेते हुए बागियों को एक एक कर हटाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों बीजेपी संगठन ने 100 ऐसे लोगों की सूची भी जारी की थी जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी की थी। डाबर की पार्टी से भी हो सकती है छुट्टी। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सख्ती दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक माधव सिंह डाबर को वन विकास निगम के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। ये निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कार्यशैली का भी प्रमाण दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे 100 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकती है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी से भीतरघात किया था। बीजेपी की अनुशासन समिति की हुई थी बैठक। गुरुवार को बीजेपी की अनुशासन समिति की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, अनुशासन समिति के प्रदेश संयोजक वेद प्रकाश शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में 40 जिलों से 100 भीतरघातियों की शिकायतों का परीक्षण किया गया था। इसमें अब संबंधित जिला अध्यक्षों से फिर रिपोर्ट ली जाएगी, साथ ही सभी भीतरघातियों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी नफा नुकसान का आकलन करके आगे बढ़ रही है। बगावत करने वाले 35 पर कार्यवाही। पार्टी ने ऐसे भीतरघातियों की लिस्ट तैयार कर ली है और कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की अनुशासन समिति की बैठक में भीतरघातियों को अपना पक्ष रखने अंतिम मौका देने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं पर सख्त कार्यवाही करते हुए 35 नेताओं को पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसमें कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शामिल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।